हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज के वीडियो में मैं आपको Huawei Y9 Prime के स्पेसिफिकेशंस, प्राइस, फीचर्स, रिलीज डेट और आप इसे कैसे बुक कर सकते हो ये सब बताने जा रहा हूँ। और मैं लास्ट में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना, तो प्लीज़ कर लीजिए। आपके छोटे भाई का चैनल है और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलते रहे। मैं डेली फ्रेश कंटेंट डालते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्क्रीन की। तो यहाँ पर आपको 6.59 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर स्क्रीन में कोई भी कैमरा नहीं होगा। आपको यहाँ पर पॉपअप कैमरा दिया गया है जो कि 16 मेगापिक्सल का है। बैक में आपको ट्रिपल कैमरा मिलने वाला है जो कि 16+8+2 मेगापिक्सल के होंगे। 16 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का वाइड रेंज के लिए दिया गया है। ये सब देख के ऐसा लगता है ना कि एक दिन ऐसा आएगा जब बैक साइड बस कैमरा ही कैमरा मिलेंगे। क्या मजा आएगा ना, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो इसके रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करो तो यहाँ पर आपको 4GB रैम मिलने वाला है और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है। तो इस फोन में आपको एंड्रॉइड 9.0 पाई देखने को मिलने वाला है। और अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी 4000mAh की है। तो ये थे Huawei Y9 Prime के मेन डिटेल्स। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस है 15,990 और ये 7 अगस्त से अमेजोन पे मिलने वाला है, मतलब अमेजोन पे मिलने वाला है। आप अमेजोन से ये वाला फ़ोन बुक कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं लास्ट में अपना ओपिनियन दूंगा कि इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ या ये कहूँ कि मेरे को इस टाइम पर कोई फ़ोन लेना होता और मेरा बजट इतना होता तो क्या मैं Y9 Prime को लेता, तो सिंपल सा आंसर है नहीं, मैं Y9 Prime को नहीं लेता। मेरा बजट इतना होता तो मैं वीवो का Z1 Pro ले लेता, क्योंकि मेरे को लगता है ना कहीं उसके फीचर्स इस फोन से बेटर है और प्राइस भी कम है। तो ये था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, बिंदास रहो।